मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में सियासी हलचल के बीच कैबिनेट विस्तार हुआ और अब विभागों के बंटवारे को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है। 3 महीने तक माथापच्ची के बाद 2 जुलाई को कैबिनेट का विस्तार हुआ। अब विभाग बंटवारे को लेकर हर गुट में संघर्ष जारी है। कैबिनेट विस्तार के बाद भोपाल में 2 दिनों तक कोई बात नहीं बनी, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान रविवार की सुबह दिल्ली चले गए हैं। इससे साफ होता है कि मध्य प्रदेश में अब सीएम शिवराज कमजोर पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रभावी विभागों की मांग कर रहे हैं। दरअसल 2 जुलाई को शिवराज कैबिनेट में 28 नए लोग शामिल हुए हैं। शपथ के 3 दिन बाद भी उन्हें विभाग आवंटित नहीं हुआ है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के 12 लोगों ने कैबिनेट में शामिल होकर पहली जीत हासिल कर ली है। अब प्रभावी विभागों की मांग को लेकर सरकार पर दबाव है, वहीं संगठन की अलग चाहत है। ऐसे में सभी चीजों को सुलझाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय नेतृत्व के पास गए हैं। मंत्रियों को विभाग आवंटित करने में 3 जगहों से पेच फंसा हुआ है। पहले नंबर पर शिवराज सिंह चौहान के लोग, दूसरे नंबर पर सिंधिया की टीम और केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पर। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला करेगा कि किसे कौन सा विभाग दिया जाए। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की शिवराज कैबिनेट में 41% हिस्सेदारी है। ऐसे में उनकी नजर अब प्रभावी विभागों पर है। उनकी चाहत है कि उनके लोगों को अब मलाईदार विभाग मिले, खासकर वो विभाग जो कांग्रेस की सरकार में उनके पास था। इसके लिए सिंधिया समर्थक नव निर्वाचित मंत्री संकेत भी दे रहे हैं। सिंधिया के समर्थक मंत्री इमरती देवी ने कहा कि मैं किसी भी विभाग से खुश हूं, मुझे पार्टी और जनता के लिए काम करना है। सिंधिया जी जो भी फैसला करेंगे मैं स्वीकार करूंगी। मैंने महिला और बाल कल्याण मंत्री के रूप में काम किया था और अपने काम के लिए पुरस्कार भी जीता। मध्य प्रदेश में विभागों को लेकर मचे घमासान में सिंधिया पेच इस तरह फंस गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सभी पुराने विभाग अपने पास रखना चाहते हैं। सिंधिया अपने वफादारों पुराने विभागों के साथ ही कुछ और बड़े विभाग मांग रहे हैं। वहीं कैबिनेट विस्तार में केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश इकाई को स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी सिंधिया और उनके समर्थकों के कारण एमपी में सत्ता में वापस आ गई है, इसलिए बर्थ और पोर्टफोलियो के वितरण में कोई समझौता नहीं हो सकता। ऐसे में मध्य प्रदेश के बीजेपी में चल रही आंतरिक कलह किसी से छिपी नहीं है। विभाग बंटवारे में फंसे पेच को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एमपी में सरकार चला रहा है, मंत्रिमंडल का गठन और विभागों के वितरण सीएम के विशेषाधिकार हैं। लेकिन बीजेपी को क्या हुआ, दिल्ली से मंत्रियों का फैसला किया गया था और अब केंद्र से भी पोर्टफोलियो आएंगे। बहरहाल शिवराज सरकार में कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे में सीएम शिवराज का विशेषाधिकार चलता है या एक बार फिर दिल्ली से ही विभागों के बंटवारे को लेकर फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।